प्रेजेंट करने जा रहा है गांव खुजरा की कहानी। ये गांव कोई साधारण गांव नहीं है, ये गांव आपसी रंजिशों के कारण दो टोली में लुटा है। एक टोली का नाम है महतो टोली और दूसरी का नाम है सातो टोली। महतो टोली के सरपंच का नाम है राय बहादुर। इनका नाम इनके कैरेक्टर से बिल्कुल मेल नहीं खाता, क्योंकि टोली में ना ही इनकी कोई राय लेना चाहता है और ना ही ये बहादुर है। और हमारे सातो टोली के सरपंच ये भोला देव, इनका नाम भी इनके कैरेक्टर से बिल्कुल मेल नहीं खाता, ना ही ये भोले हैं और ना ही ये देवता हैं। गांव दो टोलियों में बटा हुआ है, तो आइए देखते हैं कि इस गांव में क्या चल रहा है और इन टोलियों में क्या वाद विवाद चल रहा है। तेरे नैन पे कविता लिखे कलम टूट के रह जाए, तेरी सुल्फ की बात चले तो बिन बात होत अगरे तुम मेहनत का फिक्र जल्दी हरे तुम्हारे के लिए क्रियाकलाप पंचायत में चलो, पंचायत लेके चलो। हाँ भाई मकरे, बताओ मुद्दा का है? मुद्दा जाओ पंचायत में, खुद आए हैं तो खुद बताइए। तो हम बुलवे ना करी तो तुम बोलते कहाँ घर को, चुप खड़े रहो भाई मकरे। यार पड़िया उड़िया तुम बांध देते ही हैं, हटाओ यार बोल रहे थे। हाँ यार पंचायत बैठी हो ना यार, पड़िया उड़िया बांध दी है आए। हाँ भाई मकरे बताओ मुद्दा का है? मुद्दा जाऊ भाई, इन्हें इन्हें छेड़ दो, लाल मात्र है गई सचमा घोर कर लिया। अरे राम 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 राम। अरे अरे ना ही सरपंच जी, ऐसा कुछ ना ही है। अरे भाई मंसो, पहले तुम इतना पहले दद्दा दद्दा काट रहा हो, अब ना तेरे ते वाली सब पटवाला तेरे चढ़ गई था। अरे ना ही सरपंच जी, ऐसी कोई बात ना ही है। जो तुम्हारी कोई बात बात कैसे ना है तुम्हारी है? बात तुम बताओ मंसो, बात है का? बात सरपंच जी जा है, हम मगरे दद्दा से दूर लेन जात करे। अरे भाई मगरे तुम तो उसमें चल गए, बताओ नहीं कब हूँ का रेट दे। 10 रुपया किलो भाई, बताओ तो 9 रुपया ले जा भैया। दीना रात तुम चुप रहो करे, बता दे तुम्हें भाई बीच में ना बोलो करे कतई ले। तो हम बोले ही ना। हाँ भाई मंसो इससे बताओ का कह दे रहा हूँ। अरे सरपंच जी बात जा रहा है कि हम मगरे दद्दा यहाँ दूध लेने जाते कर रहे। हाँ भाई मगरे मिलावट वलावट ना करते हो तो हम किलो खांड ले ले करे। कोई मिलावट ना है बताई प्योर, 10 रुपया ले जा भैया। क्या बीच में बोलो तुम, आ भाई आखिर तो दूर हो जाओ ना, बता दे तुम्हें अभी निपटा दिए हैं नहीं तो ले हम बोली भाई ना करी। हाँ तो भाई मंसो का कह रहा बताओ। अरे कहीं कह रहे हैं तुम, बात सुनो मुद्दा पर मुद्दा भाई मगर एक ही लाठी में ढेर हो जाओगे मगर मेरी जान, सरपंच जी के खिलाफ एक शब्द ना सुन सर। अब देखो तुम कायदा की बात भाई। हाँ तो भाई मंसो का कह रहा बताओ। अरे सरपंच जी सुनो तो कहाँ ही ना तो जान दो तुम गाओगी तुम्हारी बताओ। अरे सरपंच जी बात जाए, हम मगरे दद्दा के दूध लेन जात करे तो भौजी बोली कि पेड़े पर बंदर बैठो है बंदर दे भजाए, तो हम पेड़े पर चढ़ के बंदर भगाओ लगे तब तक मगरे दद्दा आएगा जय कह रहे कि तुम मेन मटक्का कर। देखो भाई मंसो तुम औरत का इज्जत दे हो तो औरत तुम्हें इज्जत दे है ना। हाँ कहा सरपंच जी, ये बातें अच्छी ना होती भरी समाज। हम गलत बोली गए यार, हम तक कुछ और कहना चाहत, जैसे मान लो समाज में किसी औरत को इज्जत दियो तो औरत तुम्हारी इज्जत दी तो इसका मतलब जो है समझाना चाहत, लेकिन तुम यार समझ रहे तो यार बीच में जरूर बोलियो, तुम्हें तो बोल लेना एक कतई तुमसे कहा चुप्पा रहो लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आओ। अरे सरपंच हम आई है तुम आओ, तुम्हारी सरपंच गिरी दिखा लो या हम चपरासी बन जाए। तो हम बोलवे ना करी, तुम बोल लो हम दे बहुत बोल तो। हाँ बताओ मगर इनके साथ क्या करो जाए? करो का जाए खवाए पिया की छोड़ दो। अब तुम मनियो ना है लाभ तुम्हारे सरपंच जी ने तब कुछ करना है पर अब घर के है जाओ। मेरी आ भयो
सरपंच जी, आप कुछ खबर मिली? हाँ, वहाँ तो डोली वाले बहुत आतंक मचे आए। हाँ हाँ, आप जा समझ रहे हो ना, आप उनके अबे ऐसी तैसी कट नहीं जाए, हम बहुत सारे लुच्चा है भाई, लफंगा बहुत सारे है। ना तो एक ही असूल है, गाली नहीं गोली दो, वो भी सीधा खोपड़ी में। अरे जा बताओ, वहाँ तो टोली वाले तो आतंक मचिया है कि भाई हर के खेत का नहर को पानी ना आया था। जा बताओ, फसल कैसे हुई, पेट कैसे पली, बच्चे की पढ़ाई कैसे हुई? बड़ा देव नाम है हमारा, ओके दिक्कत तुम छोड़ दो, नहर का पानी जल्दी लाएंगे इस गाँव में हम। जब से लाइट आई है तब से हमारे लिए पूरी नपोर है। सरपंच जी, अरे का बताऊं, रात लाइट आई 1 बजे, हम तो सोते बहुत तेज, होता ने लाइट बल्ब जलाई दो तो मेरी आँख ही सब चौंधी आई गई, उससे अब हूँ ना दिखरो सही से। अरे सरपंच जी, हमारी मानो तो बल्ब बल्ब कटवाई दो, और ज्यादा हो तो जल टोली की लाइट ही कटवाई दो। बढ़िया बढ़िया देखो, जो का क्या मतलब देखो। अरे भाई दीनानाथ, अरे भाई दीनानाथ, यार नहीं यार, गोदन नहीं है, गोदन नहीं है, हम तो पता ही टीम यार लगन लगे, टीम लगन लगे यार, वोट भाई। और भाई दीनानाथ बताबो का माहौल चल रहा है, दीनानाथ क्या कर रहे हो? गोदन हम तो क्या भेम लिया, तुम चलो हम और सरपंच जी। अरे भेम भाई, दीनानाथ नहीं आए। दीनानाथ हाँ सरपंच, जो कौन रहे? जो जो गोधन रहे। गोधन जाए दिखा ना हो? अरे उन्हें देख ना पा, देख ना पा, हमारी टांग टूट गई। तुम कहाँ गए होंगे करना? ये जितने तुम्हें चपरासी पैसा मिल रहे हैं सब बंद करवाए दी। चपरासी गिरी कौन थी, भूतन से कौन थी? दीनानाथ तुम मर गए हो, मैं पता है तुम्हें भूलवे ना करी। दीनानाथ एक जमाना रहा है कि जब हमारे बाप दादा की इज्जत लड़ियन पे चलते रहे, वह जो एक जमाना जो है कि तुमने हमारी इज्जत कतई मट्टी पलीत कर दी। सरपंच जी, हम तो कुछ उगाते ना है, आप ही साथ रहा था, आप ही संग दे तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हारे इतना ज्यादा बोलना कि हमारा दिमाग खराब हो जाए। हाल का है तुम्हारे? किसी हाल है जय, अपनी मेरू सामान ना पाए रहे, नहु दशा खराब हुए। अब जो तुम्हें नहर में फेंक दी, अरे दिमाग खराब करने लगा, अबे तुम्हें समझाओ थोड़ी देर पहले, समझे में आयो तो ले आओ, तो हम बुलवे ना करी। तुम ना बोलो, तुम 50 बार समझा चुके, बीच में बोलने की आदत है तुम्हारी। सरपंच जी तो गए हैं अपने काम पर, तो हम चले अपने काम पर। कौन रहा यार, कौन नहीं करी गो? खाली कपड़ा दीनानाथ कहाँ है? कुछ कूद भर रहा है यहाँ, कपड़ा कहाँ गए? ए यार दीनानाथ, हमें नहीं जहन पूरी बनाओ था, तू कहूँ चले जी, कहूँ कहूँ चले जी, अब यहाँ से निकलना ही मलाई है, पहले दीनानाथ के देखें चले, दीनानाथ कहाँ गए? जाऊ ले पान, अरे जाऊ ले महिला।
तो हिला ले तुम। तुमसे कमजोर है का सरपंच जी के चपरासी जाऊ ले देखो श्याम बहादुर भाई उन्हें मुतास लगे मूत्र हमारे संग अच्छे अच्छे नहीं सीखते इसे विचार यार दीना ना पीछे से पता निकाल रहा हूँ पीछे पीछे ले आओ जो निकाल रहा हूँ पीछे ले आओ पीछे ले आओ मेरी प्यार सुनती मन गिराई से यार हाथ बहुत पिला ऐसे ना मारो तुम अपनी बात का तो हम अपनी बात का हमारी इज्जत का हुई हमारे तन पे कपड़ा ना ये तुम अपनी बात का जय मुंह लेके जाइए अपनी माँ तो टोले में और नकली लेके जाइए कत खामोश हो जाओ तुम तुम्हारे चक्कर जब बड़ी नारी बहुत हुआ हमारा कपड़ा ले गए मेरी इज्जत चली गई तांत्रिक जाए अरे अरे तांत्रिक तो यार लेके चलो यार समस्या का समाधान करवा चलो चलो नाम राय बहादुर बहादुरी तनिक ना दीना ना खामोश हो जाओ कत तब ले आओ बात ही बहुत कर ले पंजी हाँ। बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक है भाई अच्छा। उनसे थोड़ा कायदे से बात करिए गुस्सा उस्सा ना हो जाए मैं कहूँ और एक बात उनके बारे में बता दे भाई तनिका और रुष्ट हो जाए तो भूतवादा बहुत जल्दी बुलाई दे भूतवादा और रुका कभी यार रहा नहीं चलो अरे चलो वो सरपंच जी तुम तो कतई भिनवा दे नाव तुम्हारो राय बहादुर बहुत अशुभ घड़ी में रखोगो तीना तुम बहुत कायदा में बात करो करे बताए दो तुम्हें तो ले हम बुलवे ना करी बहुत बोलन में आ गए हो भाई देखो बैठे हैं सामने भाई देखो कहां भाई देखो जय भाई थे हाँ हाँ जय अच्छा चलो भाई देखो इनके दर्शन कर रहे हैं तेरे दीनानाथ सरपंच हम आए हो तुम आओ तुम आगे आगे चलन जा रहा था कि ना हो तो चलो भूत बाधा तुम्हारे ऊपर आएगी अबो अरे यार आज हम सरपंच जी का फूल जलवा लेके रहेंगे तुम देख लेना आज हम हमें ना यार सरपंच जी की बात है थोड़ा कायदा अरे का बात है सरपंच जी की तांत्रिक बन के आप देख लो कितो परेशान करे उन्हें गोधन ना हो हमारा समझे शहर से पढ़ के आया हूँ यार लगती हाई है जो कर तुम जल्दी जल्दी निकलो हम उनको मजा लेंगे देख लिया हुआ है नमस्कार तांत्रिक जी नमस्कार नमस्कार आइए मेरा ना तुम्हारी यार बड़ा बात है भाई अरे भाई जान थी मैं मामला है अरे ना ना यो यो के गाने बसते हैं मेरी गाड़ी में ये? नाम है मेरा रेपर बाबा मेरा नाम कहाँ है जो नो अंतर पढ़ा दिया गाना का मन है वालों हाँ तो बताओ क्या समस्या है तुम्हारी बाबा हमें जवान में 3.5 साल हुई गए लेकिन मेरी लंबाई बढ़ता ही ना है उत्ते कुत्ते हैं छोटे सने और इतो खाद पे कुछ लगता ही ना है हाथ दिखाओ मंगल मंगल गुरु लाभदायक है बाकी जूते खाने लायक है कहा था सही कहा था जय के लायक हो तुम दीनानाथ तो हम मुलवे ना करी यो यो के गाने बसते हैं मेरी गाड़ी में बाबा इनकी समस्या का समाधान जल्दी जल्दी करो अब तुम तो खा ले काली 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 महाकाली तेरी समस्या का समाधान हमारे पास आ गया है बाबा हाँ बेटा बाबा अभी मैं तेरे ऊपर एक मंत्र फूकूंगा तो तुझे वही बड़ी नहर का भूत दर्शन देगा बाबा हमारे मंत्र मंत्र कुछ होना चाहिए हमें चाहिए हमारी समस्या को समाधान नहीं नहीं देख ले देख लो कहां जा रहे हो बाबा तुम मंत्र दीनानाथ तू ज्यादा ना बोलो करे तुम्हें यार पता है यार भूत प्रेत हमारी कैसी यार
रे मंत्र है फुकी फाप खाली मेकर बाबा बहु रेपर बाबा तुम ऐसा कराओ इनके ऊपर मंत्र ना फूको लेकिन इनकी समस्या का समाधान हो ही जाए। अच्छा 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 तो हम इनके ऊपर यो हानि सिंह जो हमारे गुरु जी हैं उनको एक मंत्र फूकी। अब हम अपने जहा यंत्र से यंत्र नहीं है ये हमारा बहुत पुरानो चीज है इससे जा थोड़ी सी भस्म लेके तुम्हारे चेहरा पर फूकी तो हम अपने गुरु जी को जहा मंत्र फूकी। ब्लू आइस ब्लू टाइस तेरी करती है मैनू ले फिर तुम झेला। हाँ नहीं जब उठाऊंगा लेकिन तुम्हारे रेपर पावन है हम नई कमीज पहन के आए हम सबके दुख दुख आ करते हैं और तुम समझ ले भी नहीं ना वो मंत्र मारो रहा है अब इनकी देखो तुम मंगल मंगल गुरु लाभदायक है बाकी तू जूते खाने लायक है। रन जो तो गोदम मगर रहा है लावा मुझे तुम पंचायत बुलाइए भी नहीं ठीक ठीक देखिए फिर हम कर ली नहीं। सरपंच जी बड़ी नहा भूत गोदन वोदन तुम्हारा कल दिखी पंचायत में सोच रही हो अरे दीना ना तुम्हारी झपटी परे रहो तुम झपटी परे यार। अच्छा तो आज हम आए हैं पढ़ने के लिए ठीक है क्या नाम है तुम्हारा भैया। अच्छा तुम्हारा नाम तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा। हाँ तो तुम्हारा क्या नाम है कलुआ। अच्छा कलुआ कौन कलुआ कलुआ को नहीं जानते हाँ तो पहले तो पढ़ाता था यहाँ। हाँ एक जने मठ में पढ़ाओ भाई पढ़ाओ कमरा है मत ज्यादा हमारे लोगों का माहौल बहुत खराब है इसका। तो आज हम यहाँ आए हैं तुम्हें जो हमारा आधार होता है बेसिक होता है तो आज हम तुम्हें बेसिक से पढ़ाएंगे ठीक है। तो हाँ ABCD वगैरह आती है तुम्हें नहीं पता इतने बूढ़े हो गए हो तुम्हें यार ABCD नहीं पता। हाँ तो तुम्हें छोटा बड़ा कुछ आता है छोटा बड़ा तो नहीं पता है। अच्छा इस टोली का सरपंच इतना बेकार आदमी है इस टोली को बर्बाद करके छोड़ेगा कोई शिक्षा को लेकर किसी बात की वो है ही नहीं दिलचस्पी नहीं है यहाँ किसी को। तुम लोग इतने यार तुम्हारी इतनी एज हो चुकी है तुम्हें यार कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है ABCD तुम्हें नहीं पता है इन्हें छोटा बड़ा नहीं पता है। हम तुम लोगों को सही बता रहे हैं इस टोली का जो सरपंच है वो तुम लोगों को बर्बाद करके छोड़ेगा शिक्षा को लेके कोई सही। बहुत सही मास्टर साहब बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। हाँ तो कहाँ गलत कही है जाना जो सही है वो कही है कहाँ सही है छुट्टी गए सब लोग बाहर चल जा बताओ तुम एक दो दिन बाहर का पढ़िया है तो अपने आप को बहुत अलग है समझ रहे बच्चे मेरे खिलाफ भड़का रहे हम यहाँ के सरपंच हो तुम्हें कल्ली की लड़का हमारे खिलाफ बच्चे ने भड़काया है उनका करे आओ जा बताओ। सरपंच जी जो कह रहे 100% सही कह रहे हैं कहा तुमने शिक्षा लेके विकास करो आपसे बताओ है जाना हूँ मैं जिस टोली के बारे में टोली देखभाल सब हम कर रहे हैं पूरी टोली ख्याल हम कर रहे हैं खाना पीना व्यवस्था सब हम कर रहे हैं अनाज की सब व्यवस्था हम कर रहे हैं तुमने दो किताबें पढ़ गई नहीं अंग्रेज समझने लगे अपने आप अनाज नहीं रहे हो कोई ख्याल नहीं कर रहे हो टोली वाले ने अनाज क्यों रखवा लेते अपनी गोदाम में किसान है किसान अपना अनाज लाभ नहीं तो उन्हें रखो जाओ अपने घर में बोलन राजदान रहो अगर तुम्हें इस टोली में रहने आए तो सरपंच सुनने पर ही और सरपंच जो कही टोली में उतनो हमारा अधिकार है जितनो तुम्हारा है समझे अगर तुम कुछ गलत करता हो जाके खिलाफ हम आवाज उठाएं जिस टोली में हमको हमारा मकसद ये है जहाँ टोली को शिक्षित करना और तुम्हारे खिलाफ आवाज हमारी हमेशा उठे रहे अगर तुम कोई विकास न करियो तो जहाँ हमारी आवाज हमेशा उठ रही ध्यान कर लियो तुम सरपंच जी ज्यादा बोले हो बोलते रहा तो तुम तो पकड़े है अब तुम कहा ज्यादा ही बोली बोली ना करी जहाँ ना बोले हुआ बोले पड़ी जब तक हम जिंदा आए टोली पढ़ाई ना रही जब बोधन बोधन देख लियो हम बाहर निकाल दी जा टोले रे उन्हें कहा जाते हैं रास्ता है यहाँ रास्ता है।
आई गए गोधन, बताओ तुम्हारे घर का करो जाए। रे का आई तो जानने पहले सही, आई तो गए कई नीति आरती उरती उतार रही। आई तो गए, बताओ का काम है, बताओ कहाँ बुलवाओ हमें जब पंचायत। देखो बाबा, आप तो बुजुर्ग आदमी हो, हम पर सरपंच हैं तो का है, लेकिन आप जिंदगी को ज्यादातर बुजुर्ग है, इनमें एकदम भूत बन के हमें डरपाओ और एकदम तांत्रिक बन के डरपाओ, आप बताओ हम इनके साथ क्या करो जाए। टोली वो जो नेम आएगी, जो परेशान या करता है या तुम्हें गिरवाऊ तो इन्हें अब बेदखल करता हो जाए। हाँ, सही बात, यह बात हम इनसे कह रहे हैं कि जब सब लोगों की सहमत है, गांव वाले की सबकी सहमत, सबको जानकारी हो गई, सब पता लग गया है, तो इन्हें तो टोली से बाहर करना ही जरूरी है। आज मेरे साथ इनने कुछ गलत करो, कल इनके साथ कुछ गलत करी, कल इनके साथ कुछ गलत करी, तो इनकी हरकत हरकत से बात ना ही। अरे सरपंच जी, हमने थोड़ी हंसी मस्करी का कर दी, तुम तो कतई टूरिस्ट बाहर कर दियो, मैं कौन सुनी है मैं जो टोली को टोली। देखा सरपंच जी, टोली तुम्हारी नहीं है, सरपंच भले तुम हो, क्या इस पर अधिकार हमारो भी है। देखो गोधन, कायदा कानून में रही हो तो सब कुछ भई हो, और जब टोली जब समझ रहे हो जब गाँव मान के सब तो जानकारी हुई गई तुम्हारी हरकतें कैसी है, आज सबके निर्णय से ही जब बुलाई गई है पंचायत, और आज पंचायत में यह फैसला हुआ है कि तुम्हें टोली से बाहर करना जरूरी है। अगर जब तुम्हारा व्यक्तिगत फैसला हो तो सरपंच जी तुम्हारी औकात न जब टोली से हमें बाहर कर देते, आज जा रहे हैं हम जब टोली से, लेकिन एक बात में हमेशा ध्यान रही कि तुम टोली में कितनों गलत काम कर रहे हैं। अरे जो किसानों को अनाज है, जो टोली वाले उनको अनाज है, क्यों रखवा रहे तुम अपनी गोदाम में? शिक्षक लेके कोई विकास ना हीरो जाए टोली में, हमारी साथ तो टोली में देख ले काका विकास ना हीरो, अलग वहाँ के सरपंच भोला देव काका लेके विकास कर रहे हो तुम केवल खाली अन्याय कर रहे हो जो टोली वाले के साथ। आज तो हम जा टोली जा रहे हैं, लेकिन देख लियो तुम्हें हमारी जरूरत जरूर पड़ी। गोधन ले जरूरत पड़ी तो देखो जी, अब तो फिलहाल तुम्हें जाने की पड़ी। जाओ भैया जाओ, नाई का लाठी उठे उठा का आवाज तुम नाई मनैया। बाबा क्या तुम्हारी जिंदगी गुलामी में कट गई है, और आगे की जिंदगी तुम्हारी पुश्ते भी गुलामी में कट गई। आज तुम सरपंच कह रहे हो और तुम्हें बाबा ना दिखा रही जो सही है, जा रहे हैं यहाँ जो। गोधन